नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर गरीब टूना सबर को नई जिंदगी मिल गई। टूना को चर्म रोग ने विभत्स रूप से जकड़ रखा था। उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि टूना अब अपने पुराने रंग रूप में नजर आएगा। सीएम हेमंत और मंत्री चंपई सोरेन तक जब टूना का मामला पहुंचा तो तुरंत जमशेदपुर डीसी विजया जाधव को उसके इलाज का निर्देश दिया गया। डीसी ने एम्बुलेंस भेज टूना सबर को जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों की एक टीम टूना सबर का इलाज कर रही है। टूना सबर डुमरिया के दम्पाबेड़ा गाँव में रहता है। रिटायर्ड अमीन साधु शरण पाठक के घर पर आज भोर में एसीबी ने रेड मारी। साधु शरण पाठक भू अर्जन मुआवजा घोटाला का आरोपी है। उसका घर धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी इलाके में है। अमीन पर आय से अधिक संपत्ति हासिल करने का भी इल्जाम है। भू अर्जन मुआवजा घोटाले में अमीन ने पैसे कैसे हासिल की, उन पैसों को कहाँ कहाँ खपाया, इन तमाम बिंदुओं पर एसीबी जाँच कर रही है। रेड कर रही टीम में एसीबी के 2 डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल है। एसीबी अमीन के घर से मिले दस्तावेजों को खंगाल रही है। एक जवान लड़के सुमित बावरी की डेड बॉडी उसके ही कमरे में फंदे पर लटकती हालत में मिली। सुमित के मामा रवि बावरी ने बताया कि मंगलवार की भोर में करीब 7 बजे दोस्त उसे बुलाने घर आए थे। उसे क्रिकेट खेलने जाना था। दरवाजा नहीं खोलने पर कमरे के अंदर झांका तो दोस्तों की चीख निकल गई। सुमित लोहे की रेलिंग में नायलॉन रस्सी के सहारे फांसी पर झूल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। सुमित के पिता की मौत साल 1998 में हो गई थी। उसकी मां रानी देवी को अनुकंपा पर नौकरी मिली। वह लोधना क्षेत्र के कुजामा कोलियरी में पोस्टेड है। घटना धनबाद के तिसरा थाना क्षेत्र के चांद कोइया कॉलोनी की है। झमाड़ा के प्रभारी एमडी सत्येंद्र कुमार का आज घेराव किया गया। अनुकंपा पर बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे आश्रितों ने घेराव किया। वे बीते साल के 22 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के उग्र तेवर को देख एमडी ने निगम के मेन गेट पर ताला लगा दिया और खुद को अंदर लॉक कर लिया। बाहर सैकड़ों आश्रित बीवी बच्चों के साथ नारेबाजी करते रहे। धरना पर बैठे आश्रितों का कहना है कि छोटे बड़े कई अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया पर कहीं से कोई मदद नहीं मिली। अगर मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आगामी 28 फरवरी को आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे। यह प्रदर्शन धनबाद में किया गया। खूंटी में आज भोरे भोरे एक घर में आग लग गई। जब आग लगी तो घर के अंदर मां बेटी सोई हुई थी। घटना की खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मां बेटी काल के गाल में समा चुकी थी। दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झुलस कर मरने वालों में 75 साल की सुशाना कच्छप और उनकी 35 साल की बेटी पुष्पा कच्छप शामिल थी। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पुलिस जांच में जुटी है। 20 साल का जवान लड़का प्रभाकर कुमार मर गया। उसे एक तेज रफ्तार बोलेरो ने अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों का कहना है कि बोलेरो 3 वेणी सैनिक कंपनी की है। मारे गए प्रभाकर के पिता ने बताया कि बेटा उनकी बाइक बनवाने जा रहा था। रास्ते में बोलेरो ने उसे रौंद दिया। उसके दोनों पैर के परखच्चे उड़ गए। लहूलुहान तड़पता रहा रोड पर। कई बार फोन करने पर भी 108 एम्बुलेंस नहीं आया। किसी तरह अस्पताल में ले गए। इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। घटना बीते कल हजारीबाग के टंडवा बड़का गांव मेन रोड पर हुई। वही मुआवजे की मांग को लेकर आज डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन किया गया। चाईबासा में मंगलवार को फिर से आईडी ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट गोयलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबुरु जंगल में दिन के करीब 12:30 बजे हुआ। भाकपा माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ 60 बटालियन के एक जवान जख्मी हो गया। उसका नाम संजीव कुमार है। जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। यहां याद दिला दी कि पुलिस को मिसिर बेसरा के इलाके में होने की इंफॉर्मेशन मिली थी। इसके बाद 11 जनवरी से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्टेटिक मजिस्ट्रेट पंकज कुमार जायसवाल को बेतरह पीटा गया। इतना मारा गया कि उनका चेहरा सूज गया, आंखें तक नहीं खुल पा रही। जख्मी मजिस्ट्रेट को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में एडमिट किया गया है। इल्जाम है कि परीक्षा में नकल नहीं करने देने के कारण गुस्सा आए कुछ स्टूडेंट्स ने उन्हें पीटा। परीक्षा खत्म होने के बाद बाराहाट प्रखंड के हरिहर चौधरी इंटर परीक्षा केंद्र के बाहर 15 से 20 छात्र उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मजिस्ट्रेट बाहर निकले, स्टूडेंट्स उन पर टूट पड़े। लाठी डंडे से ताबड़तोड़ वार किया गया।
वारदात को बिहार के बांका में अंजाम दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तुर्की में हुई तबाही के बाद वहां के 10 राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। यह इमरजेंसी तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एंड्रोयान ने 3 महीने के लिए लगाई है। बीते कल आए भूकंप में यह इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। आज भोर तक तुर्की और सीरिया में भूकंप में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 5,000 के पार पहुँच गया था। प्रेसिडेंट एंड्रोयान ने बताया कि तुर्की की मदद के लिए अब तक 70 देशों ने ऐलान किया है। वहीं भारत NDRF की 2 टीमें डॉक्टरों और राहत सामग्री वहां भेज चुका है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए kohramlive.com के साथ।